एक बार एक गांव में एक डॉगी था। हमेशा की तरह वो डॉगी खाना ढूंढने निकला। सुबह से लेकर शाम तक उसे अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। अरे भगवान, आज मेरे ऊपर इतना जुल्म क्यों? भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। मुझे अपनी तलाश फिर से शुरू करनी होगी। डॉगी सड़क पर चलने लगा और अचानक उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने एक मटन स्टॉल देखा। वाह, मीट! अगर वो आदमी एक हड्डी का टुकड़ा मेरी तरफ फेंकेगा तो कितना अच्छा होगा। वो डॉगी मटन की ओर देखता रहा और ये देखकर कसाई ने एक हड्डी का टुकड़ा डॉगी की ओर फेंक दिया। यम्मी! मुझे नदी के उस पार चले जाना चाहिए और फिर आराम से इस हड्डी को चबाने का मजा लेना चाहिए। वो डॉगी मटन उठाने ही वाला था जब उसने एक गुर्राने की आवाज सुनी। उसने देखा एक और डॉगी हड्डी पर दाग लगाए बैठा था। हे भगवान, इसे भी हड्डी चाहिए, मुझे इसे पकाना होगा। दूसरा डॉगी हड्डी के करीब आ गया। ए, सुनो, ये मेरा है, तुम चले जाओ। ये बात है, तुम मुझसे मुकाबला करो और ले जाओ। मैं तैयार हूँ। वो दोनों लड़े और आखिरकार जीत लालची डॉगी की हुई। अगर तुम यहाँ से चुपचाप चले गए होते तो इतना मार नहीं खाते। डॉगी ने हड्डी उठाई और चलने लगा। डॉगी थोड़ी दूर तक चला और अचानक से रुक गया। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक नन्हा सा डॉगी उसका पीछा कर रहा था। लालची डॉगी के खतरनाक चेहरे को देख नन्हा डॉगी घबरा गया और वहां से भाग गया। डॉगी फिर से अपने रास्ते चलने लगा। नदी के उस पार जाने के लिए उसे एक छोटे से पुल को पार करना था। पुल को पार करते समय उसने अपना सिर नीचे की तरफ झुकाया और अचानक वो रुक गया, फिर नीचे की तरफ देखने लगा। वहां उसे अपनी परछाई दिखी। परछाई देखते हुए उसने सोचा, अरे इस डॉगी के पास मुझसे भी ज्यादा बड़ा हड्डी का टुकड़ा है। कितना अच्छा होगा अगर मेरे पास वो आ जाए। मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मुझे इसके लिए उसे डराना होगा। एक बार वो ये हड्डी का टुकड़ा छोड़कर भाग जाए फिर वो मेरा होगा। पहले तो वो गुर्राया, फिर ऐसे हिला जैसे वो हमला करने वाला हो। परछाई भी हिली। डॉगी ने सोचा, उसकी इतनी हिम्मत, लगता है जैसे उसने ठान लिया है कि वो हड्डी नहीं छोड़ेगा। लालच से उसका दिमाग फिर गया और वो भौंकने लगा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हड्डी उसके मुंह से फिसल कर सीधे नदी में जा गिरी और धीरे धीरे वो पानी में गायब हो गई। ये देखकर डॉगी को समझ आया कि वो कितना बेवकूफ था। डॉगी पहले से ही भूखा था और अब उसने अपनी हड्डी भी खो दी थी। मेरे पास जो भी था उससे मुझे खुश रहना चाहिए था। अब मैंने जो एक निवाला लिया था वो भी मेरे हाथ से निकल गया।